अगर तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया तो जाती है। हाथ रोक ले वरना तोड़ के रख दूंगी। जितना मैं बर्दाश्त करती हूँ तो सर पर चढ़ जाती है। क्या 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 बर्दाश्त तू कर रही है या मैं कर रही हूँ? मेरे तरह उंगली क्या पकड़ाई तूने तो पूरा हाथ ही पकड़ लिया। मेरे पति को मुझे जीना चाहिए। मैं कैसा? वो मेरे भी पति है। अरे जा, मैं नहीं जा सकती, इसलिए तुझसे शादी की। अरे शाहजाद कैसी? रुपया लिए नगद और फिर बेचा है तूने। अरे बकवास करना बंद कर वरना मुंह तोड़ दूंगी। क्या बेचा है मैंने? क्या बेचा है? पति बेचा है अपना पति और उसी रुपये से सब खरीदा है, समझे? अच्छा तो फिर ये घर में रहिए ना, तुझे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं, चले जा यहाँ से। काजल ये क्या हो रहा है? अच्छी बात है, अब चलिए मेरे साथ चलिए। ये कहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे कैसे नहीं? खबरदार जो हाथ लगाया, ये मेरे पति है। ऐसे शराब काट लो मुझे, दो टुकड़े कर डालो मेरे, एक तुम ले लो और एक तुम ले लो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या मुझसे कह रही थी? हाँ तुमसे कह रहा हूँ काजल, तुमसे कह रहा हूँ। हद से ज्यादा बुरा बर्ताव किया तुमने, सारी सीमाएं पार कर दी तुमने, अपने घर में हाथ तुमने खुद लगाई है और अब तुम हद से जा रही हो। हक का फैसला हो चुका। जानवी बेटी, तुमने राज और काजल के तलाकनामे की एक कॉपी मांगी थी, वो मैं ले आया। अब तुम्हें इस लालची औरत से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। रख ली ये घर ये गाड़ियां, मगर राज पर अब इसका कोई हक नहीं। आओ चलो अपने घर चलते, और राज तुम भी चलो। मैं नहीं चाहता कि मेरा दामाद किसी पराई औरत के साथ कोई ताल्लुक रखे। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो। काश ना करता होता, इसी प्यार के हाथों मजबूर होकर तो मैंने तुम्हारी सारी जिदें मानी है। मैंने दूसरी शादी की तुम्हारे प्यार की वजह से, इसी अपने प्यार का वास्ता दे देकर तुम मुझे जानवी के करीब और करीब धकेलती गई और अपने से दूर। जिस प्यार ने मुझे और तुम्हें बांध रखा था तुमने उसी को बेच दिया। अब तो सौदा हो चुका है काजल, तुम्हें मुंह मांगी रकम मिल गई, तुम्हारा प्यार जानवी को मिल गया। अब अगर मैं उसके साथ ना जाऊं तो बेईमानी होगी। इंसाफ यही है कि मैं जानवी का पति हूं और उसी के साथ रहूं। डैडी हमें भी साथ ले चलो ना, हमें मम्मी के पास नहीं माँ के पास रहना है। जानवी, राज और बच्चों के पासपोर्ट और वीजा में ले आया हूँ, अब बोलो क्या कहती हो? सोचा था सुख से राज के साथ जिंदगी बिताऊं, लेकिन यहां रहकर तो ना मैं सुखी रह सकती हूं और ना ही राज। परेशान मत हो बेटी, अमेरिका की सबसे पहली फ्लाइट जो है उसकी टिकट मैं बुक करवा देता हूं। क्यों, ठीक है ना राज? मेरी जिंदगी मेरे हाथों में नहीं अंकल, वो तो कब की बिक चुकी है, जैसा आप और जानवी ठीक समझे। ये क्या पागल बन गए बेटी, इस तरह अपना सब कुछ दान में दे देने से तेरा पति तेरे पास वापस लौट आएगा। जानती हूं लेकिन ठीक है, पर इस दौलत को मैं करूंगी क्या? मैं तो समझती थी कि अपने परिवार के लिए मैं खुशहाली खरीद रही हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। कैसे मेरा ये पागलपन था, काश वो लोग जान पाते कि मेरे लिए दौलत से कहीं ज्यादा कीमती मेरे पति और मेरे बच्चे। अगर मेरे नादानी के लिए वो मुझे माफ कर दे, इस जन्म में तो मेरे लिए इतना ही काफी। लो काजल साइन कर, एक बार और सोच ले बेटी। हाँ कुछ तो साइन कीजिए, कर दे दस्तखत बेटी, और कुछ नहीं तो सैकड़ों हजारों गरीबों की दुआएं मिल जाएंगी तुझे। कहाँ जा रही बेटी?
एक बार उन्हें और बच्चों को जी करके देख लो, एक बार अपने गुनाहों की माफी मांग लो, और उसके बाद जानवी मेम साहब, राज साहब और बच्चे अमेरिका के लिए निकल गए। क्या घंटा भर हो गया, आप जल्दी एयरपोर्ट जाए तो मिल सकते हैं। पापा मम्मी, मेरी गलती माफ करने की लायक नहीं है जानवी, पर कभी इस पगली दीदी की याद आ जाए तो बच्चों और इनकी खैर खबर की एक चिट्ठी डाल देना। जानवी बेटे, देर हो रही जी। जल्दी युवराज, मैंने सिर्फ एक ही टिकट लिया था, मैं अकेली जा रही हूँ राज। जानवी, बच्चे और राज मेरे साथ नहीं जा रहे। दीदी, गलती दीदी ने कम की थी, उनसे भी बड़ी गलती तो मैंने की थी। लालच पहले मेरे मन में जागा था, जिसके हाथों मजबूर होकर मैंने दीदी के भी मन में लालच पैदा कर दी। ये लालच बहुत बड़ी कमजोरी है इंसान की, जो चीज आंखों को भा जाए दिल उसके पीछे भाग पड़ता है, और फिर हम दिल के पीछे भाग पड़ते हैं,
गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा। और फिर प्यार भी कभी खरीदा या बेचा जा सकता है भला? ये मत समझना राज कि मेरा तुम्हारे लिए प्यार कुछ कम हो गया है, बल्कि अब तो मैं तुम्हें और भी चाहने लगी हूं। लेकिन इस सारे खेल में सबसे ज्यादा सहन तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैंने जबरदस्ती तुम्हें अपने आप से बांध कर रखा, लगातार मैं अपने अंधे प्यार के खातिर नाइंसाफी करती रही, और लगातार तुम इंसाफ के खातिर अपने प्यार को कुर्बान करते रहे। मगर नहीं, अब कुछ नहीं। देखा है मैंने, देखा है कि कितना प्यार करते हो तुम दीदी से, और वो तुमसे। बस अब दीदी से फिर से ब्याह कर लेना। मैंने सारे जरूरी कागजात साइन करके वकील अंकल के पास छोड़ दिए हैं। चलते हो? नहीं, मत जाओ जानवी। हम लोग सब साथ रहेंगे, मैं वादा करती हूं, हम खुश रहेंगे। जानते हो? लेकिन अपने हिस्से का प्रायश्चित मुझे भी तो करना है। नहीं चलनी, प्यार तो मुझे अपने हिस्से का मिल गया दीदी, बल्कि जितने की हकदार थी उससे ज्यादा ही मिला है। मैं अकेली नहीं जा रही हूं दीदी, राज की याद अपने मन में और उसकी छवि अपने पेट में लिए जा रही हूं। ये छोटा राज जैसे ही इस दुनिया में आएगा, सबसे पहले उसकी तस्वीर आपको भेजूंगी। उसके सर पर हाथ रखे उसे आशीर्वाद दीजिए। भगवान करे तुम दोनों की जिंदगी में अब कोई जुदाई ना। मतलब तो इसका नाम जुदाई इसलिए रखा था लास्ट में, मतलब ये जुदाई हो जाती है आग वाकई में। यार क्या मूवी थी भाई साहब, मतलब रोमांस, इमोशन, कॉमेडी, ड्रामा सब कुछ इस मूवी में भरा था भाई। किस तरह इन लोगों ने एक्टिंग की है भाई, मज़ा ही आ गया यार। जॉनी लीवर, कादिर खान, बाबू भैया और जो डड्डू थे वो भी थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। असल में मेन गलती उन्हीं की थी, उन्होंने अनिल कपूर को बोला बेटा जाओ मेरी बच्ची को लेकर आओ, आधी रात को बरसात का मौसम, अभी जवान मर्द जाएगा तो फिर वो लड़की को भी फीलिंग है ना भाई, तो उसी में ये सब काम हो गया। बाकी पैसे भी तो भाई लालच आ जाती है, और उसको भी वो बेचारी शुरू से ही बोलती थी मुझे पैसे चाहिए, लॉटरी निकल जाए, अमीर बन जाऊं, तो उसी गलती में जो कर दी उसने भी। बाकी यार मूवी ज़बरदस्त थी, मज़ा आ गया यार। सल्यूट है मेरा इंडियन फिल्म मेकर्स को, क्या मूवीज़ बनाते हो भाई, हम तो हैरान ही हो जाते हैं। इस तरह की कहानियां दिखाते हैं भाई, रियलिस्टिक भाई, मज़ा ही आ जाता है भाई। जैसा मूवी का नाम जुदाई वैसा ही उसका जो लास्ट साना सीन वैसा ही जुदाई हो गया। एक तो लड़की चली गई वापस अमेरिका, बाकी जो लालच वाली पत्नी थी ना उसको भी समझ में आ गया भाई, वो उसने भी बेचारी ने सब कुछ दान कर दिया, मुझे नहीं चाहिए ये दौलत, ये शोहरत, मुझे बस मेरा भाई की बेचारी भाई, वैसे ही लालच वाली है बेचारी, उसको भाई, क्या हो गया लालच तो है ना, लालच तो सबसे बुरी बला है ना बाबू भैया। वो बोलता है तो भाई रुकने का नाम ही नहीं लेता,
बेचारो डॉक्टर को ही बेहोश कर दिया, बोला लोग इसको देखते भाग जाते। बाकी यार इस मूवी में मुझे मजा आ गया देखकर। तो भाई सचमुच में सब कुछ था इसमें, तो हमने कभी सोचा ही नहीं था ये जुदाई भाई कितनी बड़ी जुदाई हो गई भाई। सब कुछ इसमें हमने देख लिया, इमोशन जो भी था भाई, लालची भी, लालची तो औरत हद से ज़्यादा देख ली भाई, इतनी बड़ी औरत लालची। मैं तो सही बोला ना भाई, इसका क्या बिगड़ा भाई, पैसे भी उसके दे दिए दान में, क्या तुम्हारा बिगड़ा, तुमने एक खामा खा बस इसको सबक मिल गया बस। एक कहते उसको भी बेटा मिला, बेटे बस उसको उसका नाम राज, उसको भी बड़ी लालची दिया, खुद मान गई लास्ट में जाते जाते, मेरी बड़ी लालच थी, पैसे भी मैंने दिए। तो भाई तुम्हें क्या खुजली थी, पर एक शादीशुदा मर्द पर आंख डाल दिए, बच्चे वाला है भाई, तुम छोड़ के तुम चली जाओ यार अभी, अभी उसको क्या नसीब हुआ, एक बेटा नसीब हुआ और वो चली गई यार, बहुत बुरा हुआ। और लास्ट में यार अच्छा हुआ बस लालची औरत ठीक हो गई, बाकी उनकी फैमिली फिर से वापस पूरी हो गई। बाकी मूवी बेस्ट थी यार, इसमें सब कुछ था यार, आज हमने आंखें खुल गई। बिल्कुल यार ऐसी मूवीज मिलेंगी तो हम ज़रूर देखेंगे भाई, जुदाई और कोई ऐसी मूवी और ज़रूर बताइएगा, हम वो भी देखेंगे। और आमिर भाई कैसी लगी मूवी? मैं भी ये कहना चाहता हूँ, अमेरिका वाली को बच्चा चाहिए था। हाँ वो अमेरिकन फैशन है ना, वहाँ अमेरिका में ऐसे ही होता है, पति में नहीं बस बच्चा हो गया तो बच्चे को पता ही नहीं बाप कौन है। अमेरिका का फैशन वो इंडिया में लेकर आए और बच्चा लेकर चली गई, चाहे जो भी हो हैप्पी एंडिंग। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बड़ा अच्छा लगा और हम ऐसे ही देखते रहेंगे आपके साथ। अगर आपको भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।